AK-47 चाप थी पता तेरे को, AK-47 चाप, उसका नाम AK-47 था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली पीयूष का गेमिंग पीसी असेंबल हो जाएगा, लेकिन मेरे रूम में। वैसे नाम इसका है लेकिन है मेरा, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी सीखूंगा। हाँ। और बड़ी स्क्रीन होगी ना, बस इसको गेम खेलने के लिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए दूंगा, 1 या 1.5 घंटे के लिए, इससे ज्यादा नहीं। बाकी ये पढ़ाई करेगा पूरा दिन। तो जो लोग भी हैं इन्फ्लुएंस मत होना कि मैंने गेमिंग पीसी दिलाया पीयूष को, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं दिलाया, वो मेरे पास ही रहेगा, मेरे रूम में रहेगा। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सेटअप करने की, इन दोनों अलमीरा इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इस वाले टेबल पे जो ये टेबल है ना, इस टेबल पे दोनों मॉनिटर आ जाएंगे, इसका पीसी आ जाएगा, और जो भी चीज़ अभी फिलहाल मैंने गेमर फिट भैया को बुलाया वो ही असेंबल करेंगे, बिकॉज मुझे तो आता नहीं है। सबसे पहला काम तो है कि रूम को मैं अच्छे से सेट करता हूँ। पूरी भसड़ मची पड़ी, देखना पूरे बैग वैग कपड़े वपड़े, इधर देखना इधर भी कपड़े पड़े हैं, इधर भी कपड़े पड़े हैं, इधर भी कपड़े, इधर भी कपड़े, इधर ये सारे कंबल वम्बल, पूरी भसड़ मची पड़ी है पूरे रूम में। तो अभी गेमर फिट भैया आएंगे ना तो अजीब लगेगा ये, जल्दी से सारा क्लीन कर देता हूँ मैं। इतनी दूर से दिख रहा है आपको, देखना फोन कितना छोटा है, और इतनी दूर से देख रहे हैं चश्मा लगा के दोनों के दोनों। तो मुझे बोल देते ना, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। और खाने बने दाल चावल मस्त। आप तो रोज रोज देख देख के बोर हो गए होगे, लेकिन मैं खा के बोर नहीं होता कभी भी। हमारे घर में खाने के लिए कभी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती है, मम्मी को पता है कि दाल चावल खा लेंगे या कड़ी चावल खा लेंगे, मम्मी बना देती है अपने आप खुद ही, और हम खा लेते हैं। तो चलो मैं खाता हूँ, खा के मिलता हूँ आपसे, एंड ओरियो को नहलाना भी अभी। तो गाइस अभी ओरियो चल चुका है, पता है कि उसको नहलाने वाले हैं, इसलिए देखो दुबक के बैठ चुका है यहाँ पे। कोई नहीं ओरियो, हम ही नहलाएंगे तेरे को। क्या हुआ मेरे को, क्यों मार रहे हो? मच्छर सोगा। मेरे को पता है मुझे मार रहे हो, मच्छर मच्छर का तो बहाना है। आज ओरियो नहाएगा, ठीक है बोलू, गंदा हो गया बहुत। देखना कितना डर रहा है, पूरा कांप रहा है अभी। यहाँ पर से ओरियो नहाएगा और यहाँ पर आके खुद को पोछेगा अपने आप। ये देखो आरंभ हो चुका है, और यहाँ पर ओरियो का शैम्पू। बोलू कैसा लग रहा है? चलो हम भी रेडी हो गए। अरे बाहर नहा रहे हो क्या? हाँ धूप में। धूप में ठीक है फिर तो। डॉग्स नहाने में डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम नहा रहे हैं। ओरियो मिला, मिले ओरियो, नहीं नहीं कर लू। हमारा ओरियो एकदम नेचुरल कुत्ता है। पिछवाड़े पे क्यों हाथ मार रहे हो भाई? ठंड नहीं लगेगी, बहुत सही धूप हो रही है। धूप के पानी में हाथ लगाओ। पानी भी गर्म है क्या? अरे सही है, गुनगुना पानी। कई लोग मैंने देखा अपने डॉग्स को ना डेली डेली नहलाते हैं, एक दिन छोड़ के नहलाते हैं, बट ऐसे नहीं नहलाना चाहिए, मतलब महीने में एक बार नहलाना चाहिए। इसलिए हम भी महीने डेढ़ महीने में एक बार नहलाते हैं। और ये एक बार बताओ डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि सर्दियों में 2 महीने में एक बार और गर्मियों में 1 महीने में एक बार। डॉक्टर ये शुरू वो ले गया ड्रायर, इतनी तेज धूप हो रही है अपने आप सूख जाएगा। अरे पापा जी कीवी का जूस ले आए, पियोगे? ये कीवी का जूस जो कि हम कर लेके आए थे, काफी मस्त हो रहा है। पीयूष मैं मार दूंगी, चले अंदर बिस्तर में जाएगा वो, कहता नहीं मानता। फाइनली बहुत टाइम के बाद निर्णय आया हमारे घर, नहीं खुद के घर। एक्चुअली आज हमारा प्लान है कोविड की सेकेंड डोज लगवाने का, वैक्सीन की, तो उसी का जुगाड़ कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ऑनलाइन तो बुक हो नहीं रही थी। हमारी सिर्फ एक डोज लगी है ना, तो हमको दोनों लगवानी है, तो होपफुली आज लग जाएगी। और अभी प्लान भी है हमारा दोबारा मुंबई जाने का और बाहर जाने का, तो वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है दोनों डोज। अभी फिलहाल चलते हैं वैक्सीन लगवा के आते हैं, होपफुली दर्द ना हो। अम्मा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, दर्द ना हो, दर्द ना हो। तो अभी फिलहाल हम जाएंगे दोनों भाई बाइक पे, और साहिल अपनी बाइक में कुछ करवा के लाया, मस्ती चीज, लाइट्स को मॉडिफाई करा के लाया कुछ, जो कि इसको खुद को चलाना नहीं आ रहा, कैसे आता है। अरे हो गई हो गई हो गई, लाइट देखो मस्त चमक रही है, ये रात को और भी प्यारी लगेंगी देख चमकती हुई। तू कहाँ जा रहा है? फिर उसको भी लगाने की वैक्सीन, तू रहने दे, हम दोनों भाई लगवा के आते, तेरे को लगवानी तो है नहीं भाई। ऊंचा ऊंचा लग रहा है इसमें तो, फॉर्च्यूनर से भी ऊंचा लग रहा है। हाँ जी अब चलते हैं वैक्सीन लगा के आते हैं। तो पहुंच तो गए हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, मैं टी शर्ट ही डाल के लाया, क्योंकि यहाँ पे लगनी होती है ना। अब इसको उतार भी नहीं सकते, बिकॉज इसके अंदर से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब दिक्कत हो गई है, पता नहीं इसको इसको खींच के इस तरह से डाल लगवानी पड़ेगी, ऐसे खींच के लगवानी पड़ेगी।
तो भी मेरा तो हो गया, अब साहिल की बारी है। अच्छा तू डाल के ले अंदर से। एंड ये सभी मैम हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो हमारा जल्दी से जल्दी लगा दिया। थैंक यू सो मच मैम। इधर उधर मैंने आपको पहचान। हाय। तो अभी हम मेडिकल कॉलेज में आए थे वैक्सीन लगाने के लिए, और यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं सारे, तो बाहर खड़े। ठीक है, बाय, नाइस टू मीट यू। ओके, थैंक यू, बाय। वैसे भी लंच टाइम था, हमको वेट करना था, बट उन्होंने हमको पहचान लिया और फिर हमारी लगाई दी उन्होंने वैक्सीन। अभी हमें मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी मिल गए थे, वो भी सब्सक्राइबर थे। मतलब आई थिंक गर्ल्स गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स नहीं सबका ही है। मेरे को तो गर्ल्स ही दिख रही हैं सारी। हाँ तो गर्ल्स हम ही ना इधर, अभी ओनली गर्ल्स ही नहीं, यहाँ बॉयज भी हैं, बॉयज भी मिले हमारे सब्सक्राइबर। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय। चलो फिर चलते हैं। रुक जा रुक जा, मुझे तो ले जा। तो ये निकल गए हम मेडिकल कॉलेज से बाहर। चाप खाली, चाप खा लूंगा मैं तो, खा लूंगा। वैक्सीन लग गई है, इसी खुशी में हम आए चाप खाने। अंकल जी चाप बना दो भैया। तो साहिल यहाँ पे लेके आया, साहिल को यहाँ की चाप बहुत पसंद है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ फर्स्ट टाइम। तो अपनी मलाई चाप तो आ गई है, देखने में तो काफी मस्त लग रही है, ट्राई करते हैं। साहिल की फेवरेट है, मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है ऐसा, AK-47 चाप। ये भी ट्राई करते हैं, ज्यादा मस्ती है AK-47 चाप। चलो चाप भी हो गया, आप चलते हैं घर। तो ये व्यू आप देख रहे हैं साहिल के सिर के ऊपर से, बहुत खतरनाक व्यू। ओलू सौदा आ गए हैं वाली। तो गाइस मैं जितनी बार भी ना गेट पे जाता हूँ ना सोसाइटी के, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होते हैं, तो मुझे बस ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इतना वेट मत करो, बिकॉज मेरे को भी बाहर जाना, तो मैं भी बिजी होता हूँ, मेरे को ब्लॉग बनाना होता है ना, तो मैं हर बार कैसे मिलूँ हर किसी से। बाहर मिलते हो तो मैं रुक जाता हूँ, मैं मिल लेता हूँ, बट सोसाइटी के बाहर वेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तो अभी भी घर पे आया हूँ, घर पे आके देखा मम्मी मस्त पकौड़े बना रही है। AK-47 चाप थी, पता तेरे को? AK-47 चाप, उसका नाम AK-47 था। वैक्सीन तो लगाई लेकिन हल्का हल्का दर्द हो रहा है अभी यहाँ पे। तो चाय पीते हैं, इसके बाद चलते हैं। हम जा रहे हैं एक घर देखने के लिए, हमको एक घर मिला था, क्योंकि इस वाले घर का फाइनल नहीं किया हमने, हम कुछ और भी सोच रहे हैं। तो अभी चाय के साथ में पकौड़े पहले जा रहे हैं, इसके बाद चलते हैं। हम अपनी फॉर्च्यूनर को ना हर जगह के लिए नहीं निकालेंगे, सिर्फ लॉन्ग ट्रिप्स के लिए निकालेंगे। हाँ ये निकाल दे, वैसे ही निकल गया ये। अम्मा आप भी आ रहे हो क्या? अरे फिर तो इनोवा ही ले जानी पड़ेगी यार, थार में नहीं जा सकते, मम्मी और अम्मा भी आ रहे हैं। चलो आज बहुत दिनों के बाद इनोवा चलेगी अपनी। ये कब से घुस गया? सबसे पहले ओरियो ही घुस गया अंदर। कंफर्टेबल तो यही है ना? कंफर्टेबल तो इनोवा। अब इसको चलानी आएगी? कहीं भूल गया है। क्यों नहीं आएगी, मैनुअल है, मैनुअल से तो सीखी है। ये हमारी पहली गाड़ी है और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है लॉन्ग राइड के लिए फैमिली के साथ। हाँ यार इसमें तो फील ही नहीं आ रहा कुछ भी, एकदम स्मूथ राइड है इसकी। आई थिंक बाहर और सब्सक्राइबर खड़े हैं। हेलो 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 हेलो। अभी हमको ना थोड़ा लेटर, हमारे कोई वेट कर रहा है इसलिए, नहीं तो मैं बाहर आता। अभी हमारे कोई वेट कर रहे हैं जिनको घर दिखाना है ना, इसलिए हमको जल्दी जाना था, इसलिए हम रुक नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा था कि सोसाइटी के बाहर वेट मत किया करो इतना वेट। तो ये पहुंच गए, पुराना सा है। हाँ पीछे पहाड़ है। अम्मी भाई इसकी गैलरी कितनी बड़ी है देखना। यहाँ प्लांट्स वगैरह पेड़ भी है। ये ऊपर का एरिया ठीक है? पुराना है हाँ, क्योंकि नीचे ये थोड़ा देखो क्रैक व्रैक से है ना। यहाँ पे ये नए वाले घर है ना, इनमें से कोई मिल जाए। वो वाला कितना प्यारा है, वो देख कितना प्यारा है। एकदम सामने ही पहाड़ भी है। ये वाला एरिया बढ़िया है, लेकिन घर थोड़ा घर नया टाइप का मिल जाए ना। देख इस टाइप का प्लॉट मिल जाए फिर बना सकते हैं। इस प्लॉट के बारे में पूछो भाई। हाँ प्लॉट किसका है? तो किसी का है तो किसी से मांगो ना। भाई हम तो पहाड़ पे रहेंगे। एक बार होता आज आज का व्लॉग स्टार्ट हमने कैसे करा था? गेमिंग पीसी बनाएंगे। कहाँ है गेमिंग पीसी? कहाँ है गेमिंग पीसी? पीछे देख सारे आम के पेड़ हैं, आम खा सकते हैं। घर तो टिका रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आम ही आम हो जाएंगे बस। वो देखो वो सामने जितने भी पेड़ है सारे आम के पेड़ हैं। पीछे वो है पीछे माइके, वहीं पे देखो वाला घर याद है? पीयूष का माइके भी यही है वहाँ पे, तेरा माइके वहाँ पे। जाना क्या जाना है? तो हमको यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ मिली हैं, इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। भाई वापस उठा के जाना, पहले बता रहा हूँ। तुम तो कहाँ उठाओगे, मेरे को उठानी पड़ेगी भाई। तुम घर देखने आए हो खेलने आए हो यहाँ पे? अरे मत करो भाई, इतनी मार खाएगा बता रहा हूँ, इतनी मार। घर देखने आए हो क्या करने आए यहाँ? चलो इनको बस नौटंकी करनी होती है, मम्मी लोग तो नीचे गए। साहिल पता क्या करेगा? मम्मी साहिल साहिल यहाँ से नहीं आएगा, यहीं से सीधा नीचे चले जाएगा। तो भाई घर तो देख लिया, काफी बड़ा था लेकिन थोड़ा पुराना था, बाकी डिसाइड करेंगे देखेंगे। और ट्रैफिक हो रहा ना, आपने मना कर दिया। वही तभी तो आगे आया। थैंक यू बाय बाय। तो अभी घर आ गए हैं, एक घर देखा हमने
जो कि मम्मी पापा को तो काफ़ी पसंद आ रहा था, बिकॉज एरिया काफ़ी ज़्यादा है, पुराना घर है, तो आई थिंक थोड़ा सस्ते में हमको मिल जाएगा। तो हम सोचे थोड़ा उसको ठीक करवा लेंगे, देखते हैं। बाकी मम्मी पापा को तो पसंद आ रहा है काफ़ी, बाकी उन्हीं को पसंद आना चाहिए, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। बाय द वे आज हमको पीयूष का गेमिंग पीसी लगवाना था, तो गेमर भैया नहीं आ पाए, तो वो कल ही आएंगे। वैसे बोल रहे थे कि आज ही करवाएंगे, बट कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। अभी तो पीसी यहाँ पड़ा हुआ है, देखो सारा सामान गेमिंग पीसी का। तो जब गेमर भैया आएंगे, वही आएंगे, वही खोलेंगे, वही लगाएंगे। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ एडिटिंग करने के लिए, बड़ी स्क्रीन पे एडिटिंग करेंगे फिर। चलो जो भी है, फिलहाल अभी डिनर करते हैं, गड्डेरी की सब्जी रोटी एंड दो पकौड़े खाते हैं, इसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो भी रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। गेमिंग पीसी तो आज असेंबल नहीं हो पाया, वो अब कल ही होगा। और हल्का फुल्का मेरे हाथ में पेन भी हो रहा है, जो वैक्सीन लगाई थी ना, बस ये बड़े ना, तो वो तो कल ही चलेगा पता। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो घर पे आया, घर पे आते देखा मम्मी मस्त परांठे, परांठे कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, क्या बोल रहा हूँ, ये मतलब पकौड़े को परांठे बोल रहा हूँ। तो भाई जावर बड़ी में मस्त परांठे बना रही है।